அண்மை செய்தியை பார்த்து வருகிறோம். திமுகவின் பணிகளால் வெற்றி அறுவடை, கமலஹாசன் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். இந்தியா வாழ்க, தமிழ்நாடு ஓங்குக, தமிழ் வெல்க என கமல்ஹாசன் வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார். திமுகவின் பணிகளால் வெற்றி அறுவடையாகியிருப்பதாக கமல் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். திமுக தலைவராக பொறுப்பேற்றதில் இருந்து அனைத்து தேர்தல்களிலும் ஸ்டாலின் வெற்றி என புகழாரம் சூட்டியிருக்கிறார். நாம் பெற்றிருக்கும் வெற்றி இந்தியாவுக்கு வழியும் ஒளியும் காட்டக்கூடியவை என கமல் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். அதைத்தான் அண்மை செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். திமுக அரசு செய்து காட்டிய பணிகளால் அதன் கூட்டணி வெற்றியை அறுவடை செய்துள்ளது என தெரிவித்திருக்கிறார். அடுத்து ராகுல் காந்தி செய்தியாளர்கள் சந்திக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறீர்கள். அருகில் கார்கே அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார், சோனியா காந்தி அவர்களும் அமர்ந்திருக்கிறார். செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு, பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இன்னும் சற்று நேரத்தில் நடக்க இருக்கிறது. அந்த காட்சிகளைத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ரெஸ்பெக்டட் ஹலோ மேடம் சோனியா காந்திஜி, ராகுல் காந்திஜி, பிரியங்கா காந்திஜி, ஆர் இஸ் மஞ்ச் பே பைட்டே ஹுவே ஹமாரே பார்ட்டிக்கே சபீ நேதாகன், ஆஜ் ஜோ தேஷ் மே சுனாவ் கே ரிசல்ட் ஆயே ஹேன், யே மை தோ பஹலே கஹுங்கா, யே ஜோ ரிசல்ட் ஹே ஜனதா கீ ரிசல்ட் ஹே, ஆர் யே ஜனதா கீ ஜீத் ஹே, ஆர் லோக்தந்திர கீ ஜீத் ஹே. ஹம் பஹலே சே யஹி கஹ ரஹே தே கி யே லடாயி ஹமாரி மோதி வர்சஸ் ஜனதா ஹே, லோக் ஹே. तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं. इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया. खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा. अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है. ये उनकी राजनैतिक और नैतिक हार है. जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है. और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा. सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला. बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया. फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था. हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे. इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया. प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा. कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया. मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना. हमने इसी को पांच न्याय
और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की, फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूंगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूँ। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया, आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है, हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे, हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहाँ जहाँ हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया, इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी, मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, वो आपको संबोधित करें। नहीं खड़गे जी, आपने बड़ी सही बात बोली, जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाव हम BJP एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, CBI, ED, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया।
प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड, वी डू नॉट वॉन्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रनिंग ऑफ दिस कंट्री। We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है, इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद।
शुक्रिया राहुल जी। अभी तीन चार सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए।